छठ पूजा के अवसर पर एक बार फिर दिल्ली की जहरीली तस्वीर दुनिया के सामने है। यमुना नदी की सतह पर तैरते जहरीले झाग के बीच पूजा करते श्रद्धालुओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड एक्टिव मोड में आ गया। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक शॉर्टकट निकाला, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई तो लोगों ने दिल्ली सरकार की मौज लेनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर होने लगे। दरअसल यमुना नदी के पास लोगों को देखा गया जो कि यमुना नदी में पानी छिड़क रहे थे। जब एक शख्स से इस बारे में पूछा गया तो उसने खुद को दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी बताया और कहा कि हम जहरीले झाग को खत्म करने के लिए यमुना में पानी छिड़क रहे हैं। आप क्या छिड़काव कर रहे हैं? पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से। और कब तक करेंगे? शाम तक करेंगे सर। शाम तक जी। और आज भी छठ है तो छठ के लेके क्या तैयारी हो रही है? तैयारी हम यहाँ पे ड्यूटी है, इसमें लगा रखी है झाग मारने के लिए बस। और नाव कितने चल रहे हैं यहाँ पे? नाव पर ये चल रही है 7-8। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें बैरिकेडिंग के जरिए यमुना नदी से झाग हटाने की कोशिश की जा रही है। शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब इस तरह से बैरिकेडिंग के जरिए पानी से झागों को रोका जा रहा है। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेताओं से लेकर आम लोगों ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि बधाई दिल्ली, यमुना में पानी का छिड़काव, बस अब पेड़ों में हरे रंग का छिड़काव करके एयर पोल्यूशन भी खत्म करवा दो। वहीं बीजेपी नेता परवेश सिंह साहिब ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि आने वाले कल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हवा को उलटने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को पंजाब की तरफ अपनी छतों पर टेबल फैन लगाने के लिए कहेंगे। आम लोगों ने भी दिल्ली जल बोर्ड के इस कदम पर जमकर मीम्स शेयर किए और सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा, दिल्ली सरकार पानी साफ करने के लिए पानी के ऊपर पानी छिड़क रही है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, साल का सबसे इनोवेटिव आइडिया, क्या अब इसे नोबल या ऑस्कर मिलना चाहिए। बता दें, झाग हटाने के लिए नावों को भी नदी में उतारा गया। अधिकारियों ने कहा कि यमुना में बह रहे केमिकल युक्त जहरीले झाग को हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नावों को नदी में उतारा है। यमुना की सफाई को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन छठ के अवसर पर ये मुद्दा और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर इस जहरीले पानी में डुबकी लगाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनुपचारित सीवेज में मौजूद फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट की वजह से ही यमुना नदी में झाग होते हैं। इसके अलावा दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों से आने वाला गंदा पानी और दिल्ली के ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।